Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Student, last time हमने chapter number 6 के different form of energy की जो discussion था वो continue की थी. बेटा last time हम लोगों ने study किया था mechanical energy जो कि depend करती है height के ऊपर या motion के ऊपर, और इसके different हमने sources को भी study किया. उसके बाद बेटा heat energy के हमने discussions की थी कि heat energy होती क्या है, कैसे produce होती है, इसके sources क्या है. देन बेटा हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टडी किया था. सो बेटा हमने क्या किया, ये वाली जो फॉर्म ऑफ एनर्जी इनको डिस्कस कर लिया. आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो साउंड एनर्जी होगा, साउंड एनर्जी. अब बेटा ये साउंड एनर्जी देखेगा होते क्या है हमारे पास. आप लोग बोलते हैं बेटा तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास, साउंड प्रोड्यूस होता है. तो साउंड बेटा कब प्रोड्यूस होगा, इट प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस होगा बेटा, ये प्रोड्यूस होगा बेटा जब हम लोग नॉक करते हैं. नॉक किया जाता है किसी डोर को, नॉक कर लें किसी बेटा वुड को, नॉक कर लें किसी भी आप व्हाइट बोर्ड है, बेंच है, किसी भी चीज को नॉक करें तो क्या होगा, हमारे पास जो साउंड है प्रोड्यूस होगा. तो इट प्रोड्यूस नॉक एट द डोर, बेटा ये देखेगा हमारे पास ये भी एक एनर्जी है साउंड. हमारे पास साउंड इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये भी हमारे पास एक तरह की एनर्जी है. अब बेटा पहला हमारे पास जो इसका सोर्स है वो क्या होगा, नॉक एट द डोर. क्या हम लोग जैसे दरवाजे के ऊपर दस्तक देते हैं बेटा, वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें ये लग होता है कि बाहर हमारे पास कोई ना कोई पर्सन जो है हमारे घर के बाहर जो है वो हमारे डोर को नॉक कर रहा है, इनसे कोई ना कोई हमारे घर के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है. सो बेटा इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसका जो सेकंड सोर्स है बेटा, ये फर्स्ट था, सेकंड है बेटा हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडीज. अब ये कोई भी बॉडी है बेटा जो वाइब्रेट कर रही है तो बेटा वाइब्रेट करने से क्या होता है हमारे पास बेटा वो क्या कहता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. अब बेटा ये वाइब्रेटिंग बॉडी में क्या रहता है, हमारे पास ड्रम है बेटा लाइक इस तरह का. अब बेटा ड्रम क्या कहता है, ड्रम की दोनों सरफेस हमारे पास होती है सर्कुलर, यहाँ पर बेटा एक ब्लेड्स स्टिक्स होती है. जब ये स्टिक्स हम लोग ड्रम के ऊपर बेटा कोलाइड करवाते हैं, टकराते हैं ड्रम के ऊपर अच्छे तरीके से कुलियन इनका करवाते हैं, तो बेटा क्या होता है जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहते हैं, वाइब्रेट करती है. सो बेटा जब मॉलिक्यूल्स इसके वाइब्रेट करेंगे ड्रम के, देन क्या होगा हमारे पास जो है वाइब्रेटिंग बॉडीज जो है, ये वाइब्रेटिंग बॉडी कहलाएगी, वाइब्रेशन की वजह से बेटा क्या होगा हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगा. सो हमारे पास एक बेटा एग्जाम्पल थी ये ड्रम की. बेटा उसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है स्ट्रिंग्स ऑफ सितार. बेटा एक होता है हमारे पास गिटार, एक होता है हमारे पास सितार. तो बेटा सितार हमारे पास क्या है, एक साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी है. तो बेटा ये होगा हमारे पास कुछ इस टाइप का, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स लगी होती हैं इस टाइप के ऊपर, डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग्स होती हैं बेटा. अब ये स्टार क्या कहता है बेटा, जब भी हम लोग स्ट्रिंग को टच करते हैं तो क्या होता है हमारे पास वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है बेटा. ये हमारे पास मेजर डिफरेंट सोर्सेज आ रहे हैं. उसके बाद बेटा हमारे पास सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस करवाने वाला, जिससे ह्यूमन आई जो है बेटा वो इस बात का आइडिया लगा सकती है, इस बात की ह्यूमन बॉडी को बेटा एनर्जी मिल जाती है कि हमारे पास जो है वो साउंड जो है कि प्रोड्यूस हो रहा है, कि कोई ना कोई बॉडी जो है वो या तो वाइब्रेट कर रही है, या जब नो किया जाता है कोई ना कोई पर्सन जो है वो हमारे घर के बाहर हमारे डोर के ऊपर बेटा डस्टिक दे रहा है, या हम लोग बेटा ये वाइट बोर्ड पे डस्टिक दे, तो इसी तरह साउंड जो है डिफरेंट टाइप से प्रोड्यूस होता है. इसी तरह बेटा जो टेम्पल्स है, मंदिर है, मंदिर के बेल्स लगे होते हैं बेटा लाइक इस तरह के, ठीक है बेटा, मंदिर में बेल लगी होती है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास बेल होती है. तो ये क्या कहते हैं बेटा, बेल कभी हमारे पास इस टाइप से कुलियन करवाती है, कभी इस वॉल से कुलियन करवाती है. तो रीजन क्या है, ये भी हमारे पास बेटा वाइब्रेट कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है. इसी तरह बेटा आपके घर की जो बेल है, अगर कोई बेल प्रेस करता है आपके डोर की, तो बेटा क्या होता है, डोर बेल वो बेल प्रेस होता है बेटा, हमें आवाज आती है, प्रोड्यूस होती है साउंड, जिसकी वजह से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं अभी भाई को यह जो हमारे घर के दस्तक दे रहे हैं या बैल को क्या कर रहे हैं बेटा प्रेस कर रहे हैं.
इसी तरह बेटा हमारे पास जो फ्लूइड है बांसुरी, उसमें भी क्या होता है बेटा, कुछ इस तरह की हमारे पास गुटकी होती है। सो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, होल्स होते हैं इसमें। अब बेटा जब एक पर्सन जो है वो यहाँ से उसके अंदर बेटा कोई ना कोई साउंड पास करवाता है, एयर पास करवाता है, तो क्या होता है हमारे पास जो बांसुरी है उसमें से भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो बेटा ये हमारे पास एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी था। साउंड और कैसे प्रोड्यूस होगा बेटा, नॉक एट द डोर वाइब्रेटिंग बॉडी में बेटा हमारे पास डॉग की एग्जाम्पल आ जाती है, या बेटा ट्यूनिंग फोर्क की एग्जाम्पल ले, वो इस टाइप का होगा हमारे पास ये। तो बेटा जब हम लोग किसी इसकी एक साइड को टकराएंगे किसी भी चीज के साथ क्लियर करवाएंगे तो क्या होगा, ये भी वाइब्रेट करेगा अपनी इस पोजीशन के बेटा इर्द गिर्द, ये वाली पोजीशन के इर्द गिर्द बेटा क्या करेगा, ये वाइब्रेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बेटा। बेटा ये था हमारे पास, और ये सारा का सारा बेटा जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये वाइब्रेटिंग बॉडीज की वजह से, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होता है प्रोड्यूस होता है। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो ये साउंड एनर्जी था, अब बेटा लाइट एनर्जी की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, लाइट एनर्जी भी हमारे पास, लाइट एनर्जी। अब बेटा ये लाइट एनर्जी जो है ये कहते क्या है हमारे पास डिफरेंट जो लाइट है बेटा, सबसे पहले जो सन है वो प्लांट्स क्या कहते हैं सन लाइट से ग्रोथ करवाते हैं अपनी। क्या था बेटा, ये हमारे पास प्लांट है, ये सन है बेटा, जब इसकी लाइट जो है इन पे पड़ती है प्लांट्स के ऊपर, सो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की क्या होती है ग्रोथ हो जाती है। सो बच्चों देखिएगा हमारे पास डिफरेंट इसके भी सोर्सेज है, सबसे मेजर सोर्स जो है वो क्या है इसका, सन। सन इज आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। उसके बाद नंबर टू पर ये जो बल्ब्स वगैरह आप लोग यूज करते हैं, ये बल्ब्स भी क्या है हमारे पास बेटा, ये भी लाइट एनर्जी का एक मेजर सोर्स है। देखिएगा जब रात को अंधेरा हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, रात को जब अंधेरा होता है तो हम लोग बेटा यहाँ पर जो एक रूम में बल्ब्स को जला देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो चीज नजर नहीं आ रही होती वो भी नजर आना स्टार्ट हो जाती है रोशनी की वजह से। उसके बाद हमारे पास ये जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फ्यूल्स को बच्चों बर्न किया जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जब हमारे पास बर्निंग का प्रोसेस होता है बेटा, बर्निंग के प्रोसेस से भी हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो है लाइट और ऐसी चीजें जो कि हम लोग नहीं देख पाते अंधेरे में, वो भी हम लोग क्या करते हैं देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये भी क्या है हमारे पास एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट एनर्जी। क्लियर है। और बेटा ये लाइट एनर्जी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा, इसकी वजह से क्या होती है हमारे पास ये लाइट एनर्जी जो है वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करवाई जाती है। क्लियर। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है केमिकल एनर्जी। सो ये था हमारे पास साउंड एनर्जी, ये हमारे पास लाइट एनर्जी, अब आते हैं बेटा केमिकल एनर्जी की तरफ। सो देखिएगा बहुत सिंपल से सोर्सेज है, जस्ट आप लोगों ने इनको अंडरस्टैंड करना है, इनके एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करना है। जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल आपकी बुक पे मेंशन है आप उस वही वाली मेंशन करें, आप लोग खुद से भी इसकी एग्जाम्पल जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट थिंग्स हैं जो हमें लाइट प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं जो हमें साउंड प्रोड्यूस करवाती हैं। अब बेटा हमारे पास है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बेटा ऐसी एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हो, इट प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल केमिकल रिएक्शंस। ये एनर्जी बेटा हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होगी, केमिकल रिएक्शन से क्या करवाई जाती है, ये प्रोड्यूस करवाई जाती है जस्ट केमिकल रिएक्शन। अब वो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, उनके सोर्सेस क्या है, तो वो सोर्सेस सबसे पहले हमारे पास जो फूड है, वो फूड है बेटा, जो फूड हम लोग यूज करते हैं खुराक,
वो क्या कहता है, वो सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कहती है, डाइजेस्ट होती है। अब वो जो आपके स्टमिक के अंदर जो प्रोसेस होता है वो केमिकल प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाती है, हमें केमिकल एनर्जी कहलाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फूड है वो इसका मेजर सोर्स है। सो इसके बाद देखिएगा जो वुड है, हम लोग बेटा वुड को क्या कहते हैं, बर्न कहते हैं। वुड कहने वुड है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स में वुड आ जाता है बेटा। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर गैस है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है। उसके बाद बेटा हमारे पास ये आ जाए कोल, ये सारे क्या है हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। बिकॉज क्या होगा देखिए, अगर हम लोग कार्बन को और प्लस ऑक्सीजन को, हम इनके मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे कि कितने मॉलिक्यूल यूज करेंगे, जस्ट एग्जांपल के तौर पर कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या मिलकर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। सो जब भी आप लोग देखते हैं कि किसी जगह पर बेटा आग लग जाती है, तो क्या कहती है, आग ज़्यादा स्प्रेड कर जाती है अराउंड सराउंडिंग में। क्यों होता है, बिकॉज के हमारे जो एयर है वो ऑक्सीजन पे कंसिस्ट है, ऑक्सीजन पे कंसिस्ट है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे पास अगर किसी लकड़ी को या नेचुरल गैस या कोल वगैरह को किसी को भी बर्न किया जाए, तो वो ऑक्सीजन जो कि एयर में एग्जिस्ट कर रही है, प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या कहते हैं, जो आग है वो सराउंडिंग में भी फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन खत्म करवा दी जाए एयर में से, देन बेटा जो है आग भी क्या होगी, जो बर्निंग का प्रोसेस है वो भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन की वजह से जो रिएक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास वो केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं, क्लियर है। उसके बाद बेटा हमने कल एग्जाम्पल पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरीज की, ठीक है, बैटरीज की हमने कल एग्जाम्पल पर डिस्कस किया था। अब एग्जाम्पल का उसमें भी क्या होता है बेटा, हमारे पास केमिकल एनर्जी का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू मूव करता है। अब वो बैटरी वो केमिकल एनर्जी का प्रोसेस बैटरी में मूव करता है, तो वो क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन ये देखेगा कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे इंटर रिलेट कर रही है एक दूसरे के साथ। इसी तरह जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो अपनी जो एनर्जी है वो किससे कैरी करते हैं, वो फूड से अपनी एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। केमिकल वो जो एनिमल्स हैं वो फूड से अपनी एनर्जी जो है कैरी करते हैं, मस्कुलर एनर्जी उन्हें बेटा जो है वो मिलती है, ठीक है, फूड से, क्योंकि उनमें भी प्रोसेस होता है डाइजेशन सिस्टम का, जिसकी वजह से ही केमिकल प्रोसेस अकर्स होता है और केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो देखिएगा हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज है, फूड है, वुड है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है उसमें वुड आ जाता है, नेचुरल गैस है उसमें कोल है, ईटीसी, ये डिफरेंट हमारे पास इसके सोर्सेज है। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट इसके लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या होगी, न्यूक्लियर एनर्जी। सो बेटा न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्कस करते हैं, तो देखिएगा बेटा अगेन आप ये रिकॉल कर दो, ये ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट जो बुक पे लिखा हुआ है हम लोग वो याद करना शुरू कर दें, ये आप लोग अपनी वर्डिंग में भी बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। बिकॉज के इनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, मे भी मैं कुछ और एग्जाम्पल कैरी कर रहा हूँ, आप लोग मे भी कुछ और एग्जाम्पल कैरी करें, आपके माइंड में कुछ और एग्जाम्पल आए तो कुछ भी एग्जाम्पल कैरी करवाई जा सकती हैं। अब हमारे पास लास्ट जो इसकी फॉर्म है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। अब बेटा न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या हमारे पास, ये एनर्जी बेटा रिलेट होती है टू न्यूक्लियर रेडिएशंस, न्यूक्लियर रेडिएशंस के साथ ये क्या कहते हैं रिलेट करवाई जाती है, न्यूक्लियर रेडिएशन, इनके साथ ये एनर्जी रिलीज होती है, वो कनेक्ट होती है, रिलेट करवाती है। अब ये न्यूक्लियर रेडिएशन क्या होते हैं, इसमें हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन कहलाता है फिशन रिएक्शन और अदर रिएक्शन हमारे पास कहलाता है फ्यूजन रिएक्शन। फर्स्ट हमारे पास फिशन है और नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन।
अब फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या स्टूडेंट, कि जब हमारे पास एक लार्ज पार्टिकल है, अभी लार्ज पार्टिकल्स में किसी भी हम लोग एलिमेंट के यूरेनियम एटम की बम्बार्डमेंट करते हैं, तब क्या होगा, हमारे पास ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करवा दिया जाएगा। अब जब ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करवा दिया जाता है, देन हमारे पास क्या होता है, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन। अगेन बेटा हमारे पास देन ये जो सेपरेट पार्टिकल है ये फर्दर बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी, तो ये फर्दर हमारे पास थ्री पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड करवा दिए जाते हैं। सो हमारे पास देखिएगा इसी तरह ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू मूव करता रहता है। सो हम लोग कहते हैं कि इस ड्यूरेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन एनर्जी कहलाती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सन में एनर्जी है बेटा, सन की एनर्जी जो 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे पास जो प्रोसेस वहाँ पे मूव कर रहा है, तो बेटा वो भी क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशंस के अकॉर्डिंग जो है मूव करवा रहा है। सो ये था आपका आज का टॉपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो स्टूडेंट इसको जस्ट लर्न करना, आप लोगों ने अपने वर्डिंग में भी आप लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो डाउट कि आप लोग बुक वाला टोटल पॉइंट जो है वो याद करें, डिफरेंट एग्जाम्पल या डिफरेंट एग्जाम्पल आप लोग भी कैरी कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट हम लोग इंटरकम्युनियन ऑफ एनर्जी स्टडी करेंगे। तो बेटा अब आपकी जो मैथ की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर हमारे पास है पेज नंबर 96। सो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, पहला क्वेश्चन हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंट पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 7 बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। सो 6 वाला एंड बेटा 7 वाला, एक पार्ट में 6 का परफॉर्म करवा देता हूँ, एक 7 का रिमेनिंग आप लोग खुद जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो देखिएगा इफ हमारे पास फर्स्ट इफ पी इज इक्वल 2 + 3 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू, बेटा फाइंड आउट करनी हमने पी प्लस 1 बाय पी की। तो देखिएगा पहले जो गिवन है बेटा उसका रेसिप्रोकल कैरी कर लेंगे। गिवन हमारे पास है p इज इक्वल टू प्लस 3 अंडर रूट, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, सो स्टूडेंट आ जाएगा 1 ओवर p 2 + 3 अंडर रूट। सो स्टूडेंट इसको रैशनलाइज कर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 - 3 अंडर रूट। सो स्टूडेंट ये बाइनोमियल सेट है हमारे पास, देखिएगा कि एक मोनोमियल सेट और साथ में कोई रैशनल रियल नंबर आ चुका है हमारे पास। सो हमारे पास क्या कहलाएगी है बाइनोमियल सेट, तो बाइनोमियल सेट को हमेशा सोल्व करने के लिए रैशनलाइजिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवाया जाएगा, मल्टीप्लाई 2 - 3 अंडर रूट ओवर 2 - 3 अंडर रूट। सो ये आ जाएगा एलसीएम कैरी करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 2 + 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 - 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई करने हैं बेटा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 अंडर रूट और 1 / p। सो स्टूडेंट देखिएगा हमारे पास नीचे फॉर्मूला क्लोज करने हैं, फॉर्मूला कौन सा क्लोज होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, a square minus b square is equal to a minus b into a plus b। स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला जो है हम लोग क्या करने वाले हैं नीचे क्लोजिंग करवाने वाले। सो देखिएगा ये आ जाएगा 1 ओवर b इज इक्वल आ जाएगा 2 - 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्लोज करवा दे, a का स्क्वायर आ जाएगा मींस के 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मींस 3 अंडर रूट का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आगे 1 / p इज इक्वल 2 - 3 अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 - k अंडर रूट से कैंसिल किया आ जाएगा 3। तो यहां से देखिएगा 1 / p इज इक्वल 2 - 3 अंडर रूट ओवर 1, तो 1 बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर ले और इसको इक्वेशन नंबर 2 कॉल करवा ले। सो हमने फाइंड कर लेना है पी प्लस 1 ओवर पी, सो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करवा ले, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करवा ले।
सो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करवाया जाएगी p प्लस 1 ओवर p इज इक्वल, तो देखिएगा 2 प्लस और राइट हैंड साइड में ऐड करवा दी जाएगी। सो स्टूडेंट प्लस 3 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा p प्लस 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 एंड 2 बेटा 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब बेटा देखिएगा इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें मैंने ऐड करवाया, आपने क्या करवाना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के, 1 और 2 को क्या करेंगे आप माइनस कर दें सब्ट्रैक्ट करवा दें। जो थर्ड वाला हमारे पास स्टेप पार्ट है वो देखिएगा लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर। सो स्टूडेंट जस्ट हम लोगों ने इसका स्क्वायर कैरी कर लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका भी आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट में देख लें, इसका लिखा हुआ है हमारे पास पी फाइंड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 बाय पी स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो हमने क्या करना है देखिएगा यहाँ पर p प्लस 1 और p है, यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर। सो स्टूडेंट जस्ट हमने क्या करना है इसका स्क्वायर कैरी करना है बोथ साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर लिख लिया स्टूडेंट, अगर तो ये सेपरेट क्वेश्चन आए ना तो आप लोग ये कम्प्लीटली प्रोसेस जो है वो करेंगे, अगर बेटा पार्ट्स के साथ आएगा जैसा ये पार्ट का मैंने इसको सोल्व किया और जो इस पार्ट का आंसर आया है मैं उसी का स्क्वायर कैरी करने के बाद इस पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो करने लगा। तो देखिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा बोथ साइड का स्क्वायर कैरी करने आ जाएगा पी प्लस 1 ओवर पी का स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3, ये भी मेंशन करें ताकि आइडिया रहे हमें, और इक्वेशन 3 तो देखेगा यहाँ पर 4 है राइट साइड पे तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर ले आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला पी मल्टीप्लाई 1 बाय पी और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 16, क्लियर। सो देखिएगा p को हम लोग p से कैंसिल कर देंगे आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इज प्लस 2 इज इक्वल 16। सो स्टूडेंट यहां पर जो फार्मूला हमने यूज किया वो देख लें, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b, ये हमारे पास इसका आंसर एक फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन किया है। सो 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल 16 माइनस 2 p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल 14। सो बेटा ये क्या होगा हमारे पास इसका आंसर होगा। सो स्टूडेंट हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को इसी तरह इसी फ्लो में क्या करना मूव करवाया जाएगा, और जब ये इसी फ्लो में मूव करवाया जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि सारे ही क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में p गिवन था और क्वेश्चन नंबर 7 में जस्ट क्या गिवन है बेटा q गिवन है, तो वो आप लोग खुद जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 8 परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट सिंप्लीफाई a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट माइनस a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट। सो स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे पास ये भी बाइनोमियल सेट आ चुकी है और बाइनोमियल सेट को हम लोग रैशनल लॉजिक के प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। सो लिख दो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रैशनलाइजिंग कर लें इनकी बाय ए स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट,
क्या किया स्टूडेंट, यहाँ का है साइन चेंज करवाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो ए स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट। सो मल्टीप्लाई करिए, ऊपर देखिएगा हमारे पास वैल्यूज बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड करवा ली जाएंगी, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट की पावर टू। नीचे स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फॉर्मूला देखेगा हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला यूज करें, आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट का स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर ओपन करें, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल प्लस बी का स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू प्लस टू फॉर्मूला का ए मल्टीप्लाई बी। सो इनको कंबाइन कर लें स्क्वायर रूट में सिंगल में ए स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू बाय माइनस इन साइड के साइन चेंज कर दें प्लस टू ए स्क्वायर से कैंसल टू बेटा टू से कैंसल नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू इनटू स्टूडेंट यहां पर अगेन फॉर्मूला क्लोज करें कि आ जाएगा ए की पावर फोर माइनस टू का स्क्वायर मीन्स टू की पावर टू का स्क्वायर फोर ओवर टू प्लस टू ऊपर से टू कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर माइनस फोर अंडर रूट ओवर फोर टू टू आर फोर। सो बेटा ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट नंबर वन का क्वेश्चन नंबर एट के। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा अब आप लोगों ने पार्ट नंबर जो टू है वो खुद परफॉर्म करें बाय द रैशनलाइजिंग प्रोसेस से। सो बेटा यहाँ तक आपका जो चैप्टर नंबर फोर था वो कंप्लीट था, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर फाइव जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।